हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर चैनल ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर फैमिली, थैंक यू फ्रेंड्स। आज बहुत ही दिनों के बाद हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं शॉर्ट हेयर पर लेयर कट, पर इनके बाल थोड़े से पहले से ही कटे हुए हैं। इन्होंने कहीं से कटवा कर लाए हैं पहले, पर कटिंग बराबर नहीं आई तो हमारे पास आए हैं अच्छी करने के लिए। शायद इन्होंने 2 स्टेप किया पर कटिंग चूक गई है। देखो फ्रेंड्स कैसे बाल दिख रहे हैं, अभी काट के आए कहाँ से, और हमें बोले ये कि दीदी ये कटिंग अच्छे से करके दो, और बिल्कुल ख़राब दिख रहे हैं मैडम, तो ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि इस कटिंग को कैसे अच्छी करूँ, कैसे रिपेयर करूँ, पर अभी कोशिश कर रही हूँ तो मल्टी स्टेप लेयर कट डाल रही हूँ, मल्टी स्टेप कट, जैसे लेयर जैसी होती है। तो जैसे जैसे बाल अच्छे दिखेंगे वैसे वैसे हम हेयर कट करते जाएंगे, क्योंकि ऐसे बिगड़े बालों पर कटिंग करना बहुत ही आसान काम नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा काम। तो जैसे जैसे क्लाइंट के चेहरे को सूट हो और बाल ज़्यादा भी ना काटे और अच्छी कटिंग बैठे, तो इस तरह से हमें हेयर कटिंग करनी पड़ती है। फ्रेंड्स आज हमने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड करा है, क्योंकि अभी मेरा मूड भी नहीं है वीडियो बनाने का, और बहुत सारे काम है। मेरा बेटा भी यहाँ, पहले पुणे में रहता था, अभी यहाँ आ गया है, ऑनलाइन जॉब शुरू है उसकी, तो यहाँ पे आ गया है, तो बहुत सारे काम निकल रहे हैं घर के, और मेहमान भी आने जाने वाले शुरू रहते हैं, तो इसकी वजह से वक्त कम मिलता है, तो हम अभी वीडियो नहीं बनाते। जैसे जैसे वक्त मिलेगा वैसे वैसे बनाएंगे। तो ऐसा हेयर कट इनका कर रही हूँ मैं कि अच्छा भी दिखे और बाल भी ज़्यादा न कट हो, क्योंकि इतने ख़राब बाल काट के आए हैं ये, पता नहीं कहाँ से काटे हैं, बिल्कुल बिगड़ चुके हैं हेयर कट, बहुत घने बाल थे इनके ऐसा बोल रही थी, और बीच में से भी कट कर डाले और वो भी अच्छे नहीं किए, पता नहीं कौन से पार्लर में गए थे, और हमने पूछा भी नहीं, हम पूछते भी नहीं क्लाइंट को कि कहाँ से कट करके लाए ऐसे बाल, क्योंकि किसी किसी को बताना भी अच्छा नहीं लगता और मुझे पूछने की भी आदत नहीं है। उन्होंने बोला उनके बाल अच्छे से कट करके दो, तो देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे अभी बाल दिख रहे हैं, थोड़ी सी आधी हेयर कट हो चुकी है, तो हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कटिंग अच्छे से अच्छी आ जाए। तो ऐसी मल्टी स्टेप कट बना रही हूँ, पहले लेयर बनाने की सोच रही थी, पर लेयर के लिए थोड़े से बाल और चाहिए थे, तो स्मॉल हेयर करने हैं, तो मैं मल्टी स्टेप कट कर रही हूँ अभी, बहुत दिनों के बाद इस तरह से हेयर कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हर क्लाइंट का चेहरा अलग रहता है और थोड़ी थोड़ी हर हेयर कटिंग अलग ही रहती है, हमें लगता है कि वही कटिंग है पर ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, कटिंग हर बार अलग रहती है थोड़ी थोड़ी, जैसे कस्टमर का फेस हो वैसे हेयर कट हमें करनी पड़ती है। अभी थोड़ा सा पानी से स्प्रे कर रहे हैं हम, और पानी के स्प्रे के बाद अभी हेयर कटिंग करेंगे। इधर के बाल थोड़े घने हैं तो यहाँ से अभी हेयर कट कर रही हूँ, ताकि हेयर कटिंग अच्छी भी दिखे और बाल भी ज़्यादा कट ना हो क्लाइंट के, क्योंकि पहले ये बहुत ही शॉर्ट किए हैं, तो इसलिए हम ऐसे हेयर कट कर रहे हैं मल्टी स्टेप कट। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारे लाइव बन सकती है, और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। आप लोग तो देख रहे हो वीडियो हमारे, पर मुझे भी
वक्त कम मिलता है अभी वीडियो बनाने में, और मेरे मम्मी पापा की भी तबीयत ख़राब है तो उनका भी टिफिन हमें रोज़ देना पड़ता है, बहुत सारे काम रहते हैं, आप लोग समझ सकते हो, आप तो हमारी फैमिली हो। जब हमारे काम थोड़े कम हो जाएंगे, मम्मी पापा की तबीयत अच्छे से हो जाएगी मम्मी की, तो हम सोचेंगे अल्टरनेट डे पे वीडियो अपलोड करने का। अभी तो ऐसा ही चलेगा, कोई कोई क्लाइंट शूटिंग भी नहीं लेने देता फ्रेंड्स, तो हम तो ज़बरदस्ती से नहीं बोल सकते शूटिंग लेने का, तो उसकी वजह से भी कभी कभी वीडियो डालने में देर हो जाती है। मुझे लगता है जो मार्केट में डॉल मिलती है हेयर स्टाइल की, वो लव और उस पर अलग अलग तरीके से हेयर स्टाइल सिखाना शुरू कर दो आपको, क्योंकि कोई कोई चेहरा नहीं दिखाने देता तो दिक्कत आती है वीडियो बनाने में, और वही वही थ्रेडिंग के वीडियो नहीं अच्छे लगते हमें भी अपलोड करने में एक जैसे, तो इसीलिए देखो फ्रेंड्स बातों बातों में इनके हेयर कट हो चुके हैं, और इतनी सुंदर हेयर कट आई है इनकी, फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आया है हेयर कटिंग का। अभी थोड़ा सा आगे का लुक चेंज करूँगी और बाद में आपको फाइनल हेयर कटिंग दिखाऊंगी कि कैसी हेयर कटिंग आई है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप सबको हम सॉरी बोलते हैं, बहुत दिनों के बाद वीडियो आज अपलोड हो रहा है। आज भी मेरा मन नहीं था क्योंकि काम करते करते इतने वक्त हो गया है, अभी शायद दोपहर के 2:30 बजने को आए हैं, और अभी एडिटिंग कर रही हूँ, और आज का ही क्लाइंट है ये, सुबह सुबह हेयर कटिंग की थी और आज ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो इस तरह के से हमारी दिनचर्या रहती है फ्रेंड्स, देखो कितना सुंदर इनका चेहरा दिख रहा है, एकदम फेस के लुक ही चेंज होता है हेयर कटिंग से, और क्लाइंट को भी हेयर कटिंग हमारे हाथ की बहुत ही पसंद आती है। तो इस तरह से आज की हेयर कटिंग का वीडियो है फ्रेंड्स, अभी आपको हम पीछे के पूरे बाल दिखाएंगे कि कैसे कट किए हैं, और बाद में वीडियो एंड हो जाएगा, और इधर का पोर्शन हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ, जैसे जैसे ज़्यादा दिखता है वहाँ पे हम हमारे हिसाब से कट करते जाते हैं ताकि फाइनल लुक अच्छे से आ जाए हेयर कटिंग का। तो क्लाइंट को लगता था कि इनके बिगड़े हुए बाल अच्छे ही नहीं होंगे, पर अच्छे हो गए हैं, तो इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका हेयर देख के। तो इस तरह से ये हेयर कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा हम आपको पीछे से कैमरे में दिखाएंगे कि कैसी हेयर कटिंग हो चुकी है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखो कितनी अच्छी हेयर कट दिख रही है, फाइनल लुक, बिगड़ी हुई कटिंग हमने ऐसे अच्छी की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।